गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 संविधान में अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया था, उसके बारे में पढ़ा था। आज इसके आगे नीति निर्देशक तत्व आदि को पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व होते हैं नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित होता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं और ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये आपने अभी देखा बच्चे कि आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, तो हमारा भारतीय संविधान निर्मित संविधान। अब नीति निर्देशक तत्वों का परिचय देखते बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय का दर्शन होता है। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को देखते हैं। तो पहला है शासन के मूल्यांकन का आधार। इन सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि ये भारतीय जनता के पास सरकार की सफलताओं को आंकने की कसौटी है। मतदाता इन आदर्शों को सम्मुख रखकर अनुमान लगाते हैं कि शासन को चलाने वाली पार्टी ने अपनी शासन संबंधी नीति को बनाते समय किस सीमा तथा किन सिद्धांतों का पालन किया है। लोग शासन को चलाने वाली पार्टी को जो इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उन्हें वोट नहीं देते। अतः हमें यह मानना पड़ेगा कि ये सिद्धांत कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, तो भी इनसे उदासीन नहीं रहा जा सकता। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता के प्रवर्तक। वास्तव में ये सिद्धांत भारतीय संविधान की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं, जिसके अनुसार देश में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति तो नहीं होती, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान तथा आगामी कोई भी सरकार इनकी ओर उदासीन नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है राज्य सरकारों के प्रति प्रकाश स्तंभ के रूप में। नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इन सिद्धांतों को शासन का मौलिक आदेश घोषित किया गया है, जिन्हें कानून बनाते तथा लागू करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य भी माना जाता है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिमंडल बनाए,
उसे अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीति निश्चित करते समय इन सिद्धांतों एवं तत्वों सभी राजनीतिक दलों में संयुक्त घोषणा पत्र हैं। अपने कानूनी तथा कार्यकारी कामों में सिद्धांत प्रत्येक दल के लिए मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र का रोल निभाते हैं। चौथा पॉइंट है संवैधानिक पवित्रता। निर्देशक सिद्धांत उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार संविधान के अन्य अनुच्छेद। यह कहना ठीक नहीं कि न्यायालय की शक्ति के अभाव में वे संवैधानिक पवित्रता खो बैठते हैं। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में न्यायालय ने कहा कि यदि कानून शासन के आधारभूत सिद्धांत निर्देशक तत्वों का विरोध करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौथे संशोधन के समय स्पष्ट रूप से कहा कि अगर संविधान का कोई अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में बाधा पहुंचाता है तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का सहायक। मौलिक अधिकारों की घोषणा इसलिए की गई कि प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, परंतु मौलिक अधिकारों को अपने उद्देश्य में तब तक सफलता नहीं मिल पाती जब तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू ना किया जाए। मौलिक अधिकारों ने नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जिसका उस समय तक कोई लाभ नहीं जब तक कि सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना न की जाए। पाइली के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जहां आर्थिक लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र शीघ्र ही तानाशाही में बदल जाएगा। अगला पॉइंट है संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। इन सिद्धांतों का महत्व इस बात में भी है कि ये भारतीय न्यायालयों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। न्यायालयों ने बहुत सारे अभियोगों का निर्णय करते हुए इनको उचित महत्व दिया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वास्तव में भारतीय शासन के मूल आधार हैं। उदाहरण के लिए बिहार सरकार बनाम कामेश्वर सिंह के अभियोग का निर्णय करते समय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 39 की व्याख्या की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशक सिद्धांत बड़े ही लाभदायक सिद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कल्याणकारी राज्य के आदर्श। नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है उन सभी को निर्देशक सिद्धांतों में निहित किया गया है। अब देखते बच्चों मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 धारा 51 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सन 2002 में धारा 51 अनुभाग द्वारा एक और कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को करना आवश्यक होता है। पहला, संविधान का पालन करें
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बच्चों आपको ये पता होगा, अगर कहीं भी राष्ट्रगान अगर हमारे कानों में सुनाई पड़े या राष्ट्रगान हो रहा है, वहाँ पर तुरंत ही सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हम इसका सम्मान करते हैं, तो ये आवश्यक है। दूसरा, ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता था। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की सेवा और देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आगे का पॉइंट, सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता की भावना को बढ़ाएं और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें, स्त्रियों का सम्मान करें। छठवां पॉइंट, अपनी गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखें। सातवां पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, नदियां, झील, पेड़ पौधे और जगत के जीव जंतु शामिल हैं, उन सब का संरक्षण एवं सुधार करना आवश्यक। आठवां, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नौवां पॉइंट है, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना जो मानव अधिकार को बढ़ावा तथा संरक्षण देने के क्षेत्र में शामिल हों। मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य करना इत्यादि। बच्चों, ये आज की क्लास में जो पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको अपने कॉपी में नोट कर